दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सा में शरीर में तीन प्रकार की ऊर्जा या फिर दोष के बारे में बताया गया है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों को संतुलित करने से व्यक्ति खुद को हेल्दी रख सकता है। त्रिफला और इसका चूर्ण वात, पित्त व कफ दोषों को संतुलित करने में हेल्प करता है, जिससे आप कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से बचे रह सकते हैं। आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदयम, जिसे वाग्भट जी ने हजारों साल पहले लिखा था, उन्होंने त्रिफला को अमृत के समान बताया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयुर्वेदिक दवाओं की किताब चरक संहिता में भी सबसे पहले अध्याय में ही त्रिफला के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, त्रिफला भयंकर से भयंकर रोगों को शरीर से खत्म करने की ताकत रखता है। डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, पेट की कोई भी बीमारी हो, कब्ज, एसिडिटी, अपच, ब्लोटिंग, किसी भी तरह की समस्या हो, त्रिफला रामबाण की तरह काम करता है। मोटापा, पेट के अल्सर, बालों के खराब होने और समय से पहले बाल सफेद होने से भी त्रिफला के सेवन से बचा जा सकता है। इसके अलावा यह स्किन की समस्याओं का भी समाधान करता है। चेहरे की झुर्रियां, दाग धब्बे और मुहासे को दूर करने में त्रिफला हेल्पफुल है। एक रिसर्च में पता चला है कि त्रिफला से कैंसर का इलाज भी संभव है और इसमें एंटी कैंसर तत्व पाए गए हैं। दोस्तों, जोड़ों के दर्द या फिर गठिया के लिए त्रिफला बहुत ही फायदेमंद है। यह आंखों के लिए टॉनिक का काम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण और प्रचुर मात्रा में मौजूद विटामिन सी आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। मौसम में थोड़ा सा बदलाव होते ही सर्दी, जुकाम, बुखार व अन्य बीमारियां होना आम है। ऐसे में त्रिफला अच्छा विकल्प है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होता है। त्रिफला चिकित्सीय एजेंट की तरह काम करता है। यह न सिर्फ वजन को कम कर सकता है बल्कि शरीर का फैट भी कम करता है। जिम, एक्सरसाइज या फिर योग के साथ साथ अगर त्रिफला चूर्ण का सेवन किया जाए तो कुछ ही दिनों में अंतर नजर आने लगेगा, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। जल्दी वजन घटाने के लिए एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को हल्के गर्म पानी के साथ मिलाकर दिन में दो बार भी सेवन किया जा सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिल को हेल्दी रखता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, वर्षों से आयुर्वेद में उपयोग किया जा रहा त्रिफला कई वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों से शरीर का बचाव करता है। अभी कोरोना वायरस को देख लो, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उन पर यह जल्दी अटैक करता है। त्रिफला चूर्ण में मौजूद एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी कैंसर जैसे कई गुणों की वजह से यह वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों से बचाव करता है। यह आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। खून की कमी से सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन व चक्कर आने जैसी कई समस्याएं हो सकती है। कई बार तो खून की कमी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए पौष्टिक आहार के साथ साथ अगर त्रिफला चूर्ण का सेवन किया जाए तो इससे परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। त्रिफला में मौजूद विभिद की खून की कमी की समस्या को दूर कर सकता है। इसलिए अपने डाइट में त्रिफला को जरूर शामिल करें। दोस्तों, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की भी जरूरत होती है। हमारे शरीर में टॉक्सिक यानी कि विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर दिखने लगता है। इसे किल मुहासे, अनिंद्रा, पेट की समस्या व तनाव जैसी समस्याएं होने लगती है। ऐसे में इन विषैले तत्वों का शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए त्रिफला अच्छा विकल्प है। इसे लैक्सिटिव की तरह उपयोग किया जाता है, यानी कि पेट को साफ करने के लिए एक अच्छे डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इसका एंटी अर्थराइटिस असर गठिया की समस्या को कम कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया के सूजन को भी कम करते हैं। जब भी किसी को भी हड्डियों में दर्द महसूस हो, जोड़ों में दर्द महसूस हो, तो एक चम्मच त्रिफला पाउडर एक गिलास पानी में मिलाकर पी लो या फिर लगातार इसका सेवन भी कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि त्रिफला का सेवन किस तरह से करना है। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन अप करता है। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। आपको एक चम्मच त्रिफला पाउडर को करीब 200 ml पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख देना है और अगले दिन सुबह इस मिश्रण को तब तक उबालना है जब तक इसका पानी आधा ना हो जाए। फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। इसे चूर्ण नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद पानी को छानकर उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। या फिर एक तरीका और है, एक कप पानी में एक चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर करीब 1 मिनट तक उबाल लीजिए। फिर इसे छान ले और ठंडा होने दे। इसे चाय की तरह सिप सिप करके पिए। इसमें आप चाहें तो नींबू का रस और अलसी के बीज भी मिला सकते हैं।
दोस्तों ये इस तरह से त्रिफला का सेवन कीजिए, ये एड़ी से लेकर चोटी तक तमाम तरह के रोगों को खत्म करने की क्षमता रखता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके।